नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी आई है। जैसा हम लोग प्रेडिक्शन किए थे भाई, बिल्कुल वैसा वैसा जो है मार्केट कर रहा है भाई। 15 रुपये के लेवल के नीचे डेली कैंडल क्लोज किया नहीं और कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका। जब भी कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो कम से कम उसको सुन रहे हो तो कम से कम सुनना भी चाहिए, तो थोड़ा सा सही से सुनना चाहिए। जब भी मैं कोई स्टॉप लॉस बताता हूँ तब ये कहता हूँ कि डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे 15 रुपये का अगर स्टॉप लॉस नीचे हिट हो जाता है या फिर कह लें कि नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, अगले दिन आपको जो है शेयर सेल करके निकलना है। देखिए, एक अच्छा एनालिस्ट कौन होता है और एक बुरा एनालिस्ट कौन होता है। अगर आप मुझे बुरा एनालिस्ट कहते हैं तो फिर एक एग्जांपल के तौर पे बस मुझे आप समझा दीजिएगा। हालांकि मैं बताऊंगा कि इसमें 5% का सर्किल लगा है, आगे क्या होने वाला है। कोई भी आप मेरी वीडियो देखते हो, हकीकत है, क्योंकि अगर मैं पिछली वीडियो को अपने बताऊं तो पिछली वीडियो को मेरे लगभग लगभग 5,000 लोगों ने देखा है, तो कोई ना कोई तो देख ही रहा है। 5,000 लोग आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कल बोला था खतरा समाप्त हो चुका है, एकदम क्लियर क्लियर। अब देखिए, कल ही बोला था और आज जो है वो खतरा सच में समाप्त तो होता हुआ दिख रहा है। देखिए हुआ क्या ना, यहाँ पे एक तरी है। अब अगर मुझे वही बात फिर से, मैं भटक गया, अगर मुझे आप गलत एनालिस्ट मानते हो और मेरे सिवाय भी लगभग लगभग आप 10 लोगों की वीडियो देखते होगे, रतन पावर की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पता नहीं कितने सब्सक्राइब किए हो आपको ही पता है। कोई भी बंदा आपको बताता है कि 15 रुपये पे खरीद लो और आप जो है 14 रुपये 38 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, ऐसे कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, क्योंकि किसी को पता रहेगा तब ना कहाँ पे स्टॉप लॉस है। खरीदते जाओ, खरीद लो, बढ़िया है, रतन पावर मल्टी बैगर बन जाएगा, पावर सेक्टर में बहुत बूम आने वाला है, 100 जाएगा 1,000 जाएगा, ये सब शब्द बोले होंगे कि 2,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, 1,00,000 तो टच करेगा ही करेगा, एक तो लिखित है एकदम, 500 जाएगा 1,000, सारा शब्द बोले होंगे, लेकिन कभी भी जिंदगी में वो लोग आपको कभी स्टॉप लॉस नहीं बताए होंगे। लिख के बताइए कमेंट में, कौन चैनल है जो टारगेट के साथ साथ अगर बाय का रिकमेंडेशन देता भी है। जैसे कि अब देखिए, रिकमेंडेशन तो नहीं होता है हम लोगों की साइड में, मेरा प्रडिक्शन ही होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि यहाँ पे खरीदारी हो सकती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। जैसे कि यही चीज़ मैं ऊपर भी बोला था कि 16.5 रुपये 17 रुपये पे खरीदिए, 16.5 के नीचे का स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हो, 16 के नीचे का फॉलो कर सकते हो, ये मैं हर बार स्टॉप लॉस बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं बताता होगा, ये मेरी गारंटी से। तो अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, चाहे मोबाइल खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस पर अगर कोई आपको वारंटी नहीं देता है, गारंटी नहीं देता है, और ब्रांड जो है बहुत बढ़िया वाला है, सब्सक्राइबर उसके पास 1,00,000 के हैं, 2,00,000 के हैं, तो वो अच्छा है कि बुरा है सामान? हमको तो गारंटी चाहिए ना। तो ये स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो एक गारंटी के तौर पर, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आपकी एनालिसिस सही है या गलत है, आप स्टॉप लॉस दीजिए, पता चल जाएगा 2 दिन के अंदर कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ पे खतरा समाप्त हो चुका है। कल ही मैं बोला था कि नीचे आया, फिर से रिकवरी हो गई, भले ही रेड कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन उससे मतलब नहीं है तेजी। अब बस हम लोगों को वहाँ पे 16 रुपये का ब्रेकआउट चाहिए। 16 रुपये का जब भी ब्रेकआउट देगा तभी एक बड़ी सी तेजी इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और वो तेजी मतलब 18-19 रुपये तक जा सकती है, मतलब ये वाले रेंज में एक बार टच करने के लिए मेरे हिसाब से जा सकता है, ऐसी संभावना है, ठीक है ना। हालांकि फिर अगर कल एक रेड कैंडल बन जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी तक जो भी हुआ है बहुत परफेक्ट हुआ। अगर आज का इसका हम लोग देखेंगे ट्रेड इंफॉर्मेशन, तो 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर आज ट्रेड हुआ है इसमें, और टोटल इसका ट्रेडेड वैल्यू जो निकल के सामने आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 42 करोड़ का। तो 42 करोड़ जो है रुपये के 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, और जिनकी डिलीवरी परसेंटेज 37% के आसपास की देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। अब ये शेयर है लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में, लास्ट स्टेज में, जब 2 से स्टेज 1 में आया था तो सबसे पहले मैं ही बताया था। एक दो बंदे और फॉलो करते हैं एसएम लिस्ट को, बनाते हैं वीडियो कि सबसे पहले मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। अब ये स्टेज 1 से बाहर कब आएगा, कमेंट आ रहा है आप लोगों का, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिन भी हो भी चुका है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के एसएम के लिए से ये अगला रिव्यू इसका कब होने वाला है, इसका हम लोग कर लेंगे प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या करना है, एक शुक्रवार छोड़ के जो है अगले शुक्रवार को इसका रिव्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे काउंट करिए, देखिए 21 मई को गया था तो भी बोला था आपको 21 जून को ये जो है एसएम के 3 में आ सकता है, ऐसी संभावना है, आ गया, आया कि नहीं आया। उसके बाद वहाँ से फिर से मैं बोला था कि 5 जुलाई, याद कर लीजिएगा भाई लोग, 5 जुलाई के स्टेज 2 में आ सकता है, ऐसी मुझे जो है संभावना दिख रही है।
आ गया, क्योंकि देखिए एक्सचेंज को काम करना है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं सेबी निकलता है बात, वो रूल बना दिया है, बस फॉलो उसको करना है, एक्सचेंज को, एनएससी को फॉलो करना है, बीएससी को फॉलो करना है। तो हर हफ्ते में रिव्यू करना है, हर दिन रिव्यू करके ये एक्सचेंज को देना है, ठीक है ना। बाकी सेबी का बस रूल है कि रूल है ये फॉलो करिए आप लोग, ठीक है ना। अब सेबी हर दिन डालेगा निकालेगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद बोला था 19 जुलाई, एकदम लिख के बताता हूँ जो भी डेट, एकदम 19 जुलाई बोला था। और जस्ट इसी 19 जुलाई को एस एम क्लियर से बाहर आया, स्टेज वन में आ गया। अब यहाँ से इसका लास्ट रिव्यू होने वाला है एक शुक्रवार छोड़ के अगले शुक्रवार। तो क्या ये लिखित है? लिखित नहीं है, क्योंकि कई सारे शेयरों का, जैसे कि अभी जेपी पावर देख लीजिए आप लोग, जेपी पावर स्टेज वन में आके 1.5 महीने से रुका है, लगभग लगभग उसको 45 दिन हो चुका है स्टेज वन में आए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। सुजलोन एनर्जी 15 दिन के बाद ही स्टेज वन में आया था, और स्टेज वन में आने के बाद 15 दिन के बाद ही बाहर, मतलब सुजलोन एनर्जी जेपी पावर से बाद में स्टेज वन में आया और बाहर आ गया। और सेम वही चीज़ इसके साथ भी होगा, जेपी पावर से बाद में ये जो है स्टेज वन में आया है और ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका कंडीशन सही बन रहा है। देखिए अब इसका एक शुक्रवार अभी आ रहा है 26 जुलाई को, 26 जुलाई को देखिए संभावना बहुत कम ही है यार, मतलब कम क्या कह लीजिए, ना के बराबर है कि आएगा। लेकिन 2 जुलाई जो आएगा ना, सॉरी 2 अगस्त, 2 अगस्त को इसका जो है ज़्यादा चांस रहेगा कि एस एम क्लियर से बाहर आ जाए, क्योंकि 15 दिन कंप्लीट करेगा। तो हर दूसरे हफ्ते में इसका जो है रिव्यू होता है, नॉर्मल सभी का होता है, कुछ का नहीं होता है कभी, या फिर होता भी है तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये भी होता है, क्योंकि जब तक क्राइटेरिया फिल करेंगे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये समझ लीजिएगा, लिख के रखिएगा आप लोग 2 जुलाई, 2 अगस्त, अगला महीना आ जाएगा ना अगस्त, ठीक है ना। कोई एस एम क्लियर से बाहर आ सकता है, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है, आए ना आए ये एक्सचेंज के ऊपर है, ठीक है ना। आज इसमें कई सारी लास्ट डील हैं, जैसे 17 नंबर ऑफ लास्ट डील देखने के लिए मिली है। देखने के लिए आएंगे तो 5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, इस तरह से कई सारी बड़ी बड़ी लास्ट डील आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। चार्ट पे क्या बना है? चार्ट पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग हुई, यहाँ पे मैं देख रहा था वहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरी लाइन होती है ना, मैं हटाता नहीं हूँ। ये वाली कैंडल बनी थी और ये वाली कैंडल बनी थी, तो मैं बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे ऊपर की साइड से भी कई सारी इंटरेस्टिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक ही सीधे में, एक सीध में जो है सारी ग्रीन लाइन बन रही है। और यही चीज़ अब यहाँ से भी हो रहा है कि एक सीध में यहाँ पे लाइन, नीचे ये वाली कैंडल का लो और ये वाली कैंडल का लो मिला के अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल जो है यहीं पर आएगा, मतलब बिल्कुल इसी इस तरह से एक लाइन बन रही थी डाउन ट्रेंड वाली। और यहाँ पे जो है एक बार मार्केट यहाँ पे तो आया था, तो उसका तो नहीं लेंगे, यहाँ पे आया था फिर यहाँ पे आया, हो सकता है छोटा सा एक और रिट्रेसमेंट करे फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि 16 रुपये का भी रेजिस्टेंस लिया है, 16 रुपये के अगर नीचे फिर से एक दो रीट कैंडल बनता है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे और एक बार आने की कोशिश करे। ठीक, बार बार बोला हूँ आप लोगों को, ध्यान नहीं दोगे बात को तो फिर समझ में नहीं आएगा। 13.5 रुपये सेफ स्टॉप लॉस बोला हूँ, कि अगर सेफ स्टॉप लॉस कुछ रहेगा तो 12 के नीचे ही रहेगा, लेकिन अगर और थोड़ा सा भी सेफ जाएंगे 13.5 के नीचे का ही सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि क्या करेगा नहीं, अभी हो सकता है कि अगर एक रेड कैंडल कल अगर ब्रेकआउट दे दिया तब तो वाह वाह, तब तो सब कुछ काम खत्म, सब नीचे का आने की संभावना खत्म, एकदम जीरो समझ लिए। लेकिन अगर कल यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है तो फिर इसी तरह से कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे हो सकता है कि एक बार फिर से जो है 13 मतलब 14 या 13.5 के आसपास आने की कोशिश करें, ये आप लोगों को बस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी अगर कल एक ग्रीन कैंडल यहीं पे बना देता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई है, बस एक ग्रीन कैंडल अगर ऊपर बना देगा काम खत्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस सारा जो है खत्म हो जाएगा और तेजी आ जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे एक बार इस रेंज का ब्रेकआउट दे देना है, दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। तो परफेक्ट एनालिसिस इसे ही कहते हैं, देखना होगा कल का डेट कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना है। तेजी का व्यू रहेगा खरीदारी करने का, तो कल ही मैं भी बता दिया था और यहाँ पे भी बता दिया था, और कैंडल नहीं बनी थी तभी बता दिया था यार कि ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो उस ग्रीन कैंडल पे आप खरीदारी कर सकते हो। मुझे ऐसी संभावना दिख रही है कि यहाँ से तेजी आ सकती है, देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग कि जो मैं बोलता हूँ सही बोलता हूँ गलत बोलता हूँ, या फिर मुझसे ज़्यादा जो है कौन बोलता है और कौन स्टॉप लॉस बताता है नहीं बताता है बताइएगा, ठीक है ना। और ये शब्द जो बोले ना कि जितना गिरे उतना खरीद लो, कंपनी पे दो थप्पड़ बजाइए और वहाँ से आइए, ठीक है ना। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा दबा।